अगर बात की जाए कंपोनेंट्स की बूटस्ट्रैप के, तो आज हम कंपोनेंट्स देखते हैं। यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी हैं, लाइक अगर आप कह रहे हैं डिफरेंट ड्राइव डिवाइसेस के बारे में, सारे जो हमारे पास स्प्लिट के वाले से मामला आ जाते हैं। फिर कंटेनर्स के बारे में अगर बात करें तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, कलर्स अवेलेबल हैं, कलर मोड्स अवेलेबल हैं। अगर आप कलर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो आपके यहाँ सारे कलर्स ही मिल जाएंगे, और उनको आपने किस तरह यूज़ करना है ये रहे, ठीक है, तो आपको ये सारे भी मामला यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अब लेआउट के अंदर आते हैं तो आगे भी ब्रेक पॉइंट्स हैं, कंटेनर्स हैं, ग्रिड हो गया, कॉलम्स हैं, स्प्लिट ग्रिड कॉलम वगैरह, हम समझ गए तो इनकी जरूरत नहीं है। कंटेंट में तो टाइपोग्राफी हो गया, ठीक है, इसके अलावा आ सकता है अगेन अभी रिबूट के अंदर भी डिफरेंट जावास्क्रिप्ट बेस्ड या सीएसएस बेस्ड अप्रोचेज हैं, फिलहाल हमें इनकी हमें जरूरत नहीं है। बेसिकली ये वेबसाइट की ही जो है ना वो अपीयरेंस के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हेडिंग्स की अगर बात करें, ठीक है, बेसिक ये डिफरेंट जो टेक्स्ट बेस्ड टैग्स है ना उनके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ देखो पैराग्राफ के बारे में इन्होंने बताया कि भाई पैराग्राफ किस तरह काम करता है, ठीक है, फिर उन्होंने आपको बताया एंकर के बारे में कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। एक स्टार्ट की बात करें, टाइपोग्राफी की अगर बात करें तो टाइपोग्राफी के अंदर आप ग्लोबल सेटिंग कर सकते हो। फिर इसके अलावा अगर आप हेडिंग्स की बात करो तो हेडिंग किस तरह सेट करनी है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप बूटस्ट्रैप की हेडिंग की बात कर रहे हो तो ये तो चलो सिंपल हेडिंग्स थी H1 से लेकर H6 तक, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप की हेडिंग आ गई, वो कैसे सेट करोगे? अगर आप सिंपल एक पैराग्राफ को भी हेडिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? सिंपल देखें H1 की क्लास दे दो सिंपल पैराग्राफ को, ठीक है। हेडिंग को कस्टमाइज करना है तो जाहिर है आप फिर अपनी कस्टम क्लास दे सकते हो सीएस की। एक और यहाँ पर हमें अक्सर, वालेकुम सर, हमें अपने अक्सर वेबसाइट्स के अंदर टाइटल देने की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है हमें? टाइटल्स, देख रहे हो ये डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4, डिस्प्ले 5, डिस्प्ले 6, ये क्लास होती है डिस्प्ले डैश 1 की, यानी हेडिंग से बड़ा टेक्स्ट। अक्सर आप नहीं देखते वेबसाइट के ऊपर बड़ा बड़ा कुछ लिखा हुआ होता है, वो हेडिंग से बड़ा टेक्स्ट होता है, वो बेसिकली टाइटल होता है उस पेज का, ठीक है। या तो वो टाइटल होता है या तो वो कोई डिस्प्ले के लिए टेक्स्ट हम लगाते हैं, बड़ा सा बैनर के ऊपर टेक्स्ट लगा लिया तो इस तरह से लगता है। बूटस्ट्रैप की क्लास होती है डिस्प्ले डिस्प्ले डैश 1 से लेकर डिस्प्ले डैश, यानी हाइफन की बात करते हुए डैश कह लो इसे, ठीक है। लीड की बात करें तो ये पैराग्राफ की क्लास है। लीड का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ से थोड़ा सा ज्यादा साइज का होता है ये, यानी किसी चीज को प्रोमिनेंट करने के लिए हम यूज करते हैं तो ये यूज करते हैं। फिर हाईलाइट की बात करें तो आप क्या कर सकते हो? मार्क कटाई यूज कर सकते हो। बहुत सारे कंटेंट है हमारे पास। इमेजेस के अंदर आ जाओ तो इमेज फ्लूइड रिस्पॉन्सिव इमेज होती है, आपने जस्ट क्लास से देनी है इमेज फ्लूइड। थंबनेल के लिए इमेज क्या देनी है? इमेज IMG थंबनेल, ठीक है। अलाइन कैसे करोगे पिक्चर को? देखो राउंडेड, फ्लोट स्टार्ट, फ्लोट एंड, ठीक है, और सेंटर में करोगे तो क्या होगा? ये देखो डी ब्लॉक, और क्या करना है मैंने? राउंडेड, MX ऑटो और डी ब्लॉक। इससे क्या होगा? पिक्चर हमारी सेंट्रलाइज हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास यहाँ जाकर टेबल्स, आप टेबल्स को कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट के अंदर कोई टेबल बने हुए और हम उन टेबल्स को यूज करना चाहते हैं। देखो मिसाल के तौर पर ये मैं फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं अपने पास पेस्ट कर लेता हूँ। टेबल देख रहे हो नीचे, ये देखो टेबल शो हो गया। इस टेबल के ऊपर ना ज्यादा क्लासेस अप्लाइड नहीं है। अगर इस टेबल के ऊपर आप देखो सिर्फ और सिर्फ किस चीज की क्लास गिवन है इसको? बस टेबल की क्लास गिवन है इसको। टी है, टी बॉडी, हमने जो पढ़ा था इससे पहले भी वो सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन क्लास कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ टेबल की क्लास है। अगर इन्हीं क्लासेस को आप थोड़ा सा चेंज करो ना और टेबल को आप इस तरह के कलर्स में लेकर आना चाहो तो आप टेबल की जो क्लासेस है ना वो इस तरह चेंज कर सकते हो। टेबल प्राइमरी, टेबल सेकेंडरी, टेबल सक्सेस, कलर सीक्वेंस वाइज लगे हुए चेंज हो जाएंगे। अगर आप होवर का इफेक्ट डालना चाह रहे हो, जैसे कॉल स्पैन लगाना है तो कॉल स्पैन तो हमें याद है, हमने खुद भी सीखा था। इन्होंने क्या किया? जस्ट टेबल स्ट्रिप्ट, इस तरह का टेबल हो जाएगा।
अगर आपको ये होवर इफेक्ट लगाना है, ये देखो यहाँ पे ये भी आएगा, ये रहे। ये रहा, ये देख रहे हो, ये होवर कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, देख रहे हो, ये पता चल रहा है ना होवर का। तो क्या लगाओगे, टेबल डैश होवर, ये रहा। वो तो टेबल को डार्क करने के लिए यूज कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी लगा लिया भाई, देख रहे हो ओवर चल रहे हैं ना। कंटेनर को हमने पैडिंग बॉटम दे दी, थोड़ा कंटेनर की पैडिंग आ गई। टॉप से भी पैडिंग दे दी, ये देखो। यानी आप आराम से जो है ना वो अपना जो काम है वो कर सकते हो। थर्ड टीएच को हमने क्या किया, स्कोप रॉ वन बस। और यहाँ पे हमने कॉल स्पैन दे दिया टू, आप चाहो तो दो चाहो तो ना दो, डिपेंड ऑन यू। ये डेफ खत्म हमारी। असल जो कंपोनेंट आते हैं वो यहाँ आते हैं, फोन को खत्म करने के बाद ये कंपोनेंट। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो कैसा, ये देखो देखे हैं वेबसाइट्स के अंदर। ये क्या होता है, ये आप अक्सर इंफॉर्मेशन अपनी डाल रहे होते हो कि भाई आप हमारे बारे में, फॉर एग्जांपल एफएक्यूज है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं ना, आप एफएक्यूज कैसे रखते हो, क्वेश्चन है और नीचे उसका आंसर गिवन होता है, ये वो एफएक्यूज लगा सकते हो। अच्छा कैसे लगाओगे एफएक्यूज, आप एफएक्यूज इस तरह लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ कंटेनर बना लिया, एक और कंटेनर इसको मार्जिन पैडिंग वगैरह दे दें, पीवी और पीटी का मतलब पता है क्या होता है, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर मैं कंटेनर के अंदर भी क्या कर रहा हूँ, दो डिवीजन बना रहा हूँ, डेफ डॉट सी ओ एल डैश एम डी डैश सिक्स, यानी छह कॉलम का बनेगा, छह कॉलम की दो डेफ बना दूंगा मैं। और मोबाइल में क्या होगा, ये सी कॉल एम डी, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में भी 12 कॉलम्स की होगी, यानी कंप्लीटली इधर से इधर तक। एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में क्या होगी, डिफ फुल विड्थ होगी, यानी कंप्लीट 12 कॉलम्स कवर करेगी। लेकिन जो मीडियम डिवाइस है, यानी जैसे हमारा कंप्यूटर या कोई भी लैपटॉप, इसमें क्या होगा, कितनी जगह लेगी, ये सिर्फ 6 कॉलम्स, यानी आधी जगह लेगी। एसएम मतलब स्मॉल डिवाइस, एक्सएस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस। अब लार्ज डिवाइस के अंदर अगर आ गए, लार्ज डिवाइस में क्या होगा सर, तो उसके लिए आप एल जी लिखोगे, यानी लार्ज डिवाइस, सही। फिलहाल हम लार्ज डिवाइस के लिए सेट नहीं कर रहे, लार्ज डिवाइस के लिए भी हम 6 कॉलम्स पर ही सेट करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें करना नहीं है, सो नो नीड। क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे हम वो चीज अकॉर्डिंग, कैसे लेंगे वही सर, यहाँ पर एडिट के उसमें जाए, लिंक चेक करिएगा, कोई लिंक मिसिंग तो नहीं आ रहा है, ऐसे तो नहीं कोई लिंक हमने नहीं लगाया हुआ और इसने लगाया हुआ है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ये लिंक्स उठा लेते हैं यहाँ से, क्लास क्लास अभी करना पड़ा था ना ये। बूटस्ट्रैप लिंक्स मिस नहीं कर रहा, बूटस्ट्रैप आपको हर टूल के साथ जरूरत के हिसाब से लिंक देता है। बूटस्ट्रैप ना आपको वो तो हमने यूज नहीं की, बूटस्ट्रैप आपको एक जनरलाइज लिंक दे रहा है। अब वो कह रहा है भाई आप जैसे जैसे डिवाइसेस किया, जैसे जैसे चीजें यूज करते जाओगे, तो मैं आपको उसमें एडिटर के अंदर लिंक्स प्रोवाइड करता जाऊंगा, वहां से आप लिंक्स लेते जाओ, ये सीन है भाई। फॉर एग्जाम्पल अब अकॉर्डियन के अंदर अगर कोई बूटस्ट्रैप की या सीएसएस की कोई जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी लगती है, तो वो एडिशनल है ना, उसने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फाइल बना के रखी हुई, ये समझ रहे। अच्छा इसमें से एक फाइल तो मैच कर रही है, कौन सा वाला, css/bootstrap.min.css, ये देखो ये मैच कर रही है, ये लिंक तो भाई मैच कर रहा है, इसकी जरूरत हमें
लास्ट वाला लिंक क्या है, ये docs.css, ये वाला भी लिंक हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर से मैच कर, लेकिन फिलहाल अभी हम इसे यूज कर रहे हैं, हम इसे छोड़ नहीं रहे हैं। अब हमें अकॉर्डियन लेना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रिप्ट भी लेना है, स्क्रिप्ट छोड़ेंगे थोड़ी भाई, मेहनत की आखिर। अरे तुम हंस रहे हो यार, यहाँ से हमने उठा लिया ये स्क्रिप्ट। यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग लगाना है। अच्छा यहाँ पर हमें पीएचपी के अपने एफएक्यू भी एक लगाना है, एनी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जैसे होता है ना, तो हम तलाश कर लेते हैं यहाँ पर। भाई ये चाहिए था मुझे, गूगल ने इसको इतना मुश्किल बना दिया अपने एल्गोरिथम्स के चक्कर के अंदर। ये चाहिए मुझे कुछ हाइट में, सही है ना ये, इसे हम अपने पास कॉपी कर लेते हैं। फाइल हमारी कौन सी है भाई, यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर में जाएंगे। अच्छा हाइट हमने दे दी इसकी तकरीबन 1 फीट है, यहाँ पर हम दे देंगे अकॉर्डियन। इधर आ गए हम अकॉर्डियन के लिए, अभी एक मसला आ रहा है, ये देखो क्या क्या है मसला आ रहा है, सर ये एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, इनको बराबर लेकर आने हैं ना, ऐसे ही है ना भाई, तो क्या करेंगे, हमने एक मिस्टेक किया यहाँ पर, जो मैंने सोचा कि आप लोग मतलब माशाल्लाह से अब तो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्या खैर क्या क्या किया होगा मैंने मिस्टेक, रॉ नहीं दी मैंने, हमने क्या किया था, हमने रॉ नहीं दी है, ठीक है, और रॉ हम कहाँ देंगे, कंटेनर के अंदर, कंटेनर के बाहर नहीं देंगे हम रॉ। इस रॉ के अंदर क्या होगा, जो भी और कंटेंट आएगा वो क्या होगा, दूसरे के बराबर बराबर आ जाएगा। आ गया बराबर बराबर, देखें भाई आ गया ना बराबर बराबर, ये नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन मार्क कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ठीक है, खैर हो गया, बैकग्राउंड की भी खैर है। अच्छा मैंने इसको ऑनलाइन ही यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा कॉपी, क्या लिखा हुआ है, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी कर लिया हमने इसको, और अब इमेज की जो सोर्स होगी ना हमारी, हमने IMG सोर्स रखा था यहाँ पर सोर्स के अंदर ले जाकर पेस्ट कर दें, और देखें क्या हमारी इमेज रेंडर हो रही है, हमने इमेज कंप्यूटर में सेट नहीं किया, हमने इमेज कहाँ से लिया, ऑफलाइन बिल्कुल चलेगी, नहीं ऑफलाइन नहीं चलेगी,
लिंक होने की जरूरत नहीं है ना मेरे भाई इसके अंदर, मतलब इसके अंदर सिनेरियो ये है कि एक मिनट, इसमें कॉपी होने की जरूरत नहीं है या किसी के पास वेबसाइट हो या ना हो इसकी जरूरत नहीं है। इसके अंदर जरूरत सिर्फ इसकी है कि जो कंटेंट है ना ये वाला, ठीक है, ये जो वेबसाइट है हमारी, ठीक है, बस ये चलनी चाहिए, और वेबसाइट हमारा जो प्रोजेक्ट हमारा इंटरनेट है वो चलना चाहिए और ये वेबसाइट चलनी चाहिए। अगर ये पिक्चर इंटरनेट से उठा ली गई जिस वेबसाइट से हमने लगाई है, क्लास देने की जरूरत नहीं है इसको, क्लास दोगे डीप लॉक। जस्ट इसको सेंटर सेट करने के लिए, ठीक है, सही होगा, तो ये सीन है। अच्छा सर ये जो डिव है ना, ये तो अगर देखा जाए इस तरह तीन कॉलम से भी आ जाएगी अगर आप ट्राई करें ना, तो हम इसको रखते हैं कम। तो मैंने क्या किया, अपने अकॉर्डियन को बढ़ा दिया। क्या करूँगा मैं, जो मेरा अकॉर्डियन है ना, मैंने इसको कर दिया 6 की जगह 9 कॉलम्स, और यहाँ पिक्चर क्या हो जाएगी बाकी के 3 कॉलम्स के अंदर। अब इमेज सही हो गई, सही हो गई इमेज। अब बेशक आप हाइट दो ना तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। सही, और आप ऊपर हेडिंग दे सकते हो। क्या हेडिंग दोगे भाई, कंटेनर के अंदर रॉ के ऊपर ऊपर, क्या कर सकते हैं। देखो हमने क्या कर लिया, बहुत ही आसानी के साथ ये पूरी वेबसाइट हमने कितने कम टाइम में बना लिया। अगर आप लोग चाहो तो ये वेबसाइट कितना आराम से बना सकते हो, ये अकॉर्डिंग चलता हुआ है, प्रॉब्लम भी नहीं है। इसके अंदर का टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगेन सिर्फ यही नहीं, इन्होंने मल्टीपल साइज में काम किया हुआ है, ये देखो डिफॉल्ट ही खुला हुआ होगा। इवन इसके अलावा अलर्ट्स हो गए, जैसे आप नहीं देखते वेबसाइट पे लिखा हुआ सक्सेस या डेटा हैज बीन सबमिटेड, आप डेटा सबमिशन के ऊपर ये लगा सकते हो कि भाई ये शो हो जाए। इसके अलावा बैजेस दे सकते हो आप, जैसे हम नहीं लगाते प्रोडक्ट के ऊपर न्यू का बैज लगा देते हैं कि भाई ये न्यू प्रोडक्ट है। फेसबुक के ऊपर देखा करो कि नया टूल आता है, लिखा ऊपर लिखा दो छोटा सा न्यू, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ बैजेस लगा सकते हो, ये देखो इन्होंने बैजेस लगा के दिखाए हैं। सिर्फ क्या करना है आपने, बैज और ये देखा बीजी सेकेंडरी और बस, और जस्ट किसके अंदर लिखना है, स्पैन के टैग में, और स्पैन के टैग के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और ये हमने टोटल कर दिया H1 के साथ, तो H1 के साथ ये बैज आ गया लगा हुआ। इसे डिफरेंट करना चाहते हो, ये देखो बटन के अंदर नोटिफिकेशन के आगे क्या कर दिया, बैज के अंदर कितने नोटिफिकेशन आए हैं वो बता दिया। तो हमने क्या है, बटन टाइप बटन जो भी क्लास क्लास देनी थी वो दे दी। स्पैन के अंदर क्या किया आपने, बैज TXT यानी टेक्स्ट, बैकग्राउंड सेकेंडरी, और बता दिए कितने हैं, बस इस तरह के बना दें। का मैंने आपको स्पैन पढ़ाने के लिए क्या बताया था उस वक्त कि बेटा अगर हम पैराग्राफ के दरमियान कोई एक बेसिक फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के दरमियान स्पैन के टैग के अंदर वो टेक्स्ट रख देंगे, फिर उसको अपने हिसाब से कोई भी स्टाइल प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी अगर आप देखो तो अभी यही हो रहा है ना, डिफरेंट स्टाइल प्रोवाइड किया जा रहा है, किसको, पेज वाले मामले को। जस्ट क्या किया है, फॉन्ट स्टाइल और बैकग्राउंड से ही खेला गया ना, अगर देखा जाए तो फॉन्ट स्टाइल बैकग्राउंड या पैडिंग उसको राउंडेड कर दिया, तो टेक्स्ट पीछे सीएसएस में क्या किया होगा, राउंडेड कर दिया होगा, यानी जो बॉर्डर रेडियस है वो अप्लाई कर दिया होगा। तो आपको नजर आ रही है गोल सा ओवल सा जो है वो बैज बना हुआ है, हालांकि इसको बैकग्राउंड कलर देकर पीछे से इसको बॉर्डर रेडियस दे दिया, जब बॉर्डर रेडियस दिया तो क्या हुआ, ये राउंडेड हो गया। जब ये राउंडेड हुआ तो इसका कलर चेंज करके व्हाइट कर दिया और बैकग्राउंड कलर चेंज करके रेड कर दिया, और एक क्लास बना दी जो यहाँ पे लिखी हुई है बैज, और
ब्रेड क्रम्स, ये भी बड़े काम की चीज है। आप पेज में देते हो ना होम स्लैश फेसबुक होम स्लैश अबाउट अस, इस तरह बने होता है। आप उस पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो इस तरह बनता है, होम के अंदर लाइब्रेरी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कार्ड हो गया, कैरेक्टर हो गया, क्लोज बटन में इंटरेस्टिंग है। कोई चीज क्लोज करने के इस तरह आपने देखा होगा, देखो क्लास होने वाला है, अक्सर होता है ना लिंक लगा होता है नीचे, भाई ये डिटेल आपको पढ़नी है तो आप ये देख लो, तो आपको उसके बारे में भी सारा कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। ये कॉपी करके ये भी आप लगा सकते हो, किसी भी बटन के अंदर आप ये लगा सकते हो कि भाई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस तरह आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन चाहिए इस तरह आ जाएगी, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट मॉडल टैब बार डिफरेंट बार तो लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेज नेशन हो गई, पेज नेशन आपने वो इस पेज बना लिया, आपने बोला यार सेकंड पेज के ऊपर जाना है तो आप नीचे इस तरह की पेज नेशन लगा देते हो, ठीक है। नेक्स्ट और प्रीवियस गूगल में देखा, आइए देखो इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल यहाँ पर अवेलेबल है, जो आपको समझ में आए आप वो स्टाइल यहाँ से कॉपी करके अपने पास पेज कर सकते हो। देखो अगर चाहो ना तो बहुत कुछ बहुत आराम से लगा सकते हो, बहुत कुछ। स्क्रॉल स्टाइल क्या होता है देखो, ये देख रहे हो वेबसाइट में होता है ना, इस सब हम ऐसा करते हैं, एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिया कम जगह में और बटन लगा दिया, उसके नीचे जाते जाओ ऊपर आते जाओ, ये नहीं आप स्क्रॉल करते जाओ बटन के थ्रू, तो ये बटन के थ्रू एग्जैक्ट उस हेडिंग के ऊपर जाना वो स्क्रॉल करा देगा। कौन सा टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल्स देखो, नहीं हाँ फॉन्ट स्टाइल्स देखो आपकी मर्जी के होते हैं ना, फॉन्ट फैमिलीज होती हैं वो अलग अलग आपको प्रोवाइड करने वाले प्रोवाइडर हैं, तो आप गूगल फॉन्ट से चेंज करोगे। ये आपको लोडिंग का ये बैच लगाने, देख लो लोडर लग गया, ये देख रहे हो अलग अलग तरह के लोडर होते हैं ना, सिर्फ पिक्चर से लगा देते, पिक्चर से पहले लगा देते हैं, इस तरह का लगा सकते हो, वेबसाइट में अच्छे इफेक्ट्स डालते हैं। अभी लगे हैं बहुत आसान है, सिंपल क्या है, डिफ के अंदर हमने क्या कर दिया स्पिनर ग्रो और वही टेक्स्ट, इसका कैसा होगा टेक्स्ट प्राइमरी सेट कर दिया, इस तरह का लगा सकते हो दोस्त। देख रहे हो नीचे टोस्ट नजर आ रहा है आपको, ये जो मैंने अभी क्लोज किया है ये देखो, ये क्लिक किया नीचे देख रहे हो टोस्ट आ गया नीचे, ये कब होता है जब आप फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट के ऊपर आपने कोई टूल लगा दिया कि भाई नोटिफिकेशन चाहिए या ये काम कर लो ये टास्क, हमने कर नीचे आपने टोस्ट शो कर दिया कि भाई नीचे स्क्रीन के साइड पर ये टोस्ट शो हो जाया करेगा, इसको भी क्या कर सकते हो सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो, अपने पास कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें स्पेसिंग हो गई, टेक्स्ट हो गया, वर्टिकल डिजाइन है हमारे पास, वर्टिकल लाइन हो गई, लेंथ हो गई, सेक्शन हो गई, ठीक है। ये टेक्स्ट आपको किस तरह यूजर के सामने नजर आ रहा होगा, इसमें एक फुटर यहाँ कार्ड के देखो एंड में ना हेडर का फुटर है, अभी फुटर क्या है ये देखो नीचे सिंपल वेबसाइट का एंड पार्ट जो नहीं होता बिल्कुल लास्ट का, ये देखो जैसे भी आपको मुनासिब लगे, यूजुअली इस तरह का होता है फुटर में ना, ऐसे कंटेंट्स लगे हुए होते हैं आप इस तरह का लगा सकते हो, यूजुअली इस तरह होता है फुटर, ये देख रहे हो आपने जैसे क्या करना है वही कॉपी कर लेना है ये। अच्छा फुटर तो हम खुद भी बना सकते हैं ना, अगर देखा जाए तो फुटर में रह क्या गया, आपने जस्ट एक कंटेनर बनाना है उसके अंदर आपने कंटेंट दे देना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं, और अबाउट अस वगैरह दे दें तो खत्म कहानी बस हो गया। अगर आप एक वेबसाइट डिजाइन करना चाहो ना फॉर एग्जांपल, हम ये कॉपी कर लेते हैं अभी तो फिलहाल ये लगा,
कितना टाइम टेकिंग था तुम्हें, मैंने आप लोगों को टास्क दिया था ना, मैंने कितना टाइम लग रहा था आप लोगों को टास्क करने में? प्रोफेशनल क्या, आप एकेडमिक प्रोजेक्ट भी बनाओगे तो उसमें भी आपको काफी टाइम लग जाएगा, नॉर्मल सी बात है ना यार। अभी जस्ट मैंने फुटल दिया है और इसे मैं दोबारा से चला के देखता हूँ कि कैसा चलेगा। तो बूटस्ट्रैप ने एक सिंपल बटन अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर यही मैं बनाने जाता, खुद सोचो अगर यही मैं बनाने जाता, मैं क्रिएट करने जाता तो क्या होता, सोचो क्या होता, क्या पहले मैंने एक डिफ क्रिएट करता, उसको हल्का सा ग्रे कलर देता, फिर उसके नीचे मैं एक और डिफ क्रिएट करता, उसके अंदर मैं उसकी हाइट और विड्थ सेट करता, फिर हाइट और विड्थ सेट करने के बाद मैं उसमें टेक्स्ट देता, फिर टेक्स्ट के बाद ना मैं उसको पैराग्राफ को अलग अलग स्टाइल दे रहा होता, किसी का टेक्स्ट की मैंने ज्यादा साइज दे दिया, किसी का फॉन्ट साइज बढ़ाना है, किसी का फॉन्ट साइज कम करना है, ये सारे काम कौन करके दे रहा है मुझे? विद इन जस्ट अ क्लिक कौन करके दे रहा है मुझे? बूटस्ट्रैप। फिर मैं दो तीन कार्ड्स को मिलाकर एक वो भी बना सकता हूँ फुटर, अगेन एक फुटर के अंदर तीन कार्ड रख सकता हूँ कि बराबर बराबर आ जाए और उनकी लिस्ट ऐड कर दूँ तो ये आइटम हो जाएंगे वो कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस वाले। मेरी वेबसाइट कम्प्लीट हो गई, ऐसे ही है ना भाई? हेडर तो देखो हम खुद से डिजाइन करते हैं, फुटर यूजुअली सिंपल होता है। देखो फुटर डिफरेंट भी होगा ना, तो क्या होगा, तीन सेक्शन होते हैं, इधर आपको छोटा सा टेक्स्ट आ गया, बीच में कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस आ गया, इधर आपके फेसबुक पेजेस वाले आ गए, तो वो भी तीन कॉलम बना दो और तीनों के अंदर अलग अलग डेटा रख दो, वो भी आराम से बन जाता है। लेकिन हमने सिंपल बना बनाया व्यू उठाया और हेडर का सीन होता है, हेडर हमेशा यूजुअली अपने हिसाब से बनाते, तो हेडर हमने अपने हिसाब से सिंपल बनाया था इस तरह का, तो हमने उसको देख लिया, समझ रहे हो? किसी को कुछ भी पूछना है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएगा क्लास क्लास के बाद। ये कुछ टाइम बाद वैसे भी हो जाता है स्लाइड, अभी भी खुद ही हुआ, मैंने थोड़ी किया, मेरा तो ये रहा, ओके मेरा ठीक। हाँ क्यों नहीं आएंगे, मैं पूरा फोल्डर दूंगा ना तुम्हें, ठीक है? तो तुम डाउनलोड करोगे लेसन नंबर टू ओपन करना, ये सब सारा कंटेंट आएगा, बस नेट चल रहा होगा तो वो नीचे जो क्वेश्चन मार्क वाली पिक्चर है ना वो भी आ जाएगी, सिंपल। बहुत मुश्किल चीज है, ठीक है भाई?